भाजपा की तो कई बातों में तो बोलना ही चाहिए, वो क्या करते हैं। वो तो 2 करोड़ नौकरी के लिए भी चले थे, वो तो कुछ नहीं हुआ उनसे, ना 15 लाख मिला। आज जब सत्ता पे बाहर हो गए तो हम सत्ता अभियान चला रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन कोर्ट में कोई नहीं गया। हमारा मानना है हमारी सरकार ने बनने के बाद एक कोई किसी पूर्वग्रह से इसको हमने ग्रस्त नहीं थे। हम इस चीज़ में थे कि जिन आदमियों ने 5 साल में 40 इंस्टीट्यूशन खोले हैं, वो 4 महीने में 900 खोल गए। हम ये देखना चाहते हैं कि वो बजटेड हैं या उनकी फाइनेंस की मंजूरी है। बार बार मुख्यमंत्री जी, हमारे जो संबंधित जो मंत्रीगण भी इस बात को कह रहे हैं कि हम किसी को बंद नहीं कर रहे हैं। जो प्रोसेस से खुला होगा और उसके पास पैसा होगा तो उसको हम करेंगे, लेकिन इसे महज वोटों के लिए घोषणा की हो तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने 17,000 करोड़ का कर्जा दिया है। 17,000 करोड़ कर्जा दे के 5,000 के अमाउंट घोषणा कर गए हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलते नहीं दोनों बातें, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति करने आती है और इससे अब बड़ा कुछ नहीं है। पर मुख्यमंत्री ने पहली बार मुख्यमंत्री बने और राजनीतिक तौर से उनका बड़ा तजर्बा है, बड़ी जद्दोजहद से मेहनत से वो यहाँ पहुँचे हैं। जो भी उन्होंने निर्णय लिए और लगभग वो लोगों के हित में है, इलाके के हित में है, चाहे हमीरपुर है, चाहे हिमाचल है या कोई दूसरा हिमाचल का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, बागवान हैं और जो हमारे अनाथ आश्रम के बच्चे हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक नई पहल की। तो ये जो फैसले कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये लोकहित में फैसले हैं और लोगों ने इनको सराह भी रहे हैं। आने वाले